नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन। तो नाम में ही इसका मीनिंग है कि डॉलराइजेशन मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो रुपीज़ का मैक्सिमम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो दुनिया भर में या ट्रेडिंग हो डॉलर में हो, और अभी करेंटली 65% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज डिसाइडिंग विद डॉलर। उसके बाद फिर बाकी यूरो, पाउंड है, येन बहुत कम है 2 to 3%, और रुपीज़ तो 1.1 या 2% के बीच में। मानसी यू कैन करेक्ट इफ देर इज समथिंग। इट्स ओके ओशिक। तो कि तो फिर डॉलराइजेशन से क्या फ़ायदा होता है और क्या घाटा है, नुकसान क्या है? तो 2 पॉइंट्स आई विल ऐड कि डॉलराइजेशन से पहली बात है कि आपका जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो बढ़ जाता है, फ्री फ्लोर ऑफ ट्रेड होता है, FDI आता है अच्छे तरीके से हर जगह से, और जो एक इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है वो एक मिसमैच नहीं होता है डॉलराइजेशन में। घाटा क्या है कि इट इज़ बेसिकली वेस्टर्न सेंट्रिक, US सेंट्रिक, तो उसी का कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। US में जो फेडरल रिजर्व है वो डॉलर जैसी वो पोट्रे कर जैसी वो डालते हैं पंप करते हैं, तो इन्फ्लेशन इट गिव्स इन्फ्लेशन टू द वर्ल्ड नॉट US। ऐसे बोलते हैं कि अगर वो पंप करते हैं डॉलर को तो बाकी जगह इन्फ्लेशन आता है, US में वो कम आता है, तो इससे नुकसान भी है। और तीसरा है कि जो कैपिटल आउटफ्लो होता है वो हार्मफुल होता है कंट्रीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एशियन क्राइसिस 1997 में भी हुआ था, तो दोनों फायदा है प्लस माइनस। और डी हाँ, डॉलरेशन बेसिकली हाँ यस ज्यादा हेल्पफुल है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अगर हम डॉलराइजेशन की हाँ बात कर रहे हैं, बट यस डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है उनके लिए तो स्टिल एक वो चैलेंज हो गया, क्योंकि वो फिर नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ फंक्शन कर पाएंगे या ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इवन जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की भी बात करते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि फॉरेक्स रिजर्व ऐसे लेवल पे, मिनिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इट लीड्स टू क्राइसिस लाइक सिचुएशन, जैसा इंडिया में हुआ था। और अभी आपने एक जो उसका नेगेटिव बोला कि इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द करेंसी, इंडिया के केस में भी कैपिटल आउटफ्लोज की वजह से अभी हमें यही देखने को मिल रहा है कि इंडियन रुपी इज गेटिंग वीकेंड, इट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज। यस यस और डी डॉलराइजेशन के लिए क्या किया जा रहा है? तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीस, रुपीस को कैसे इंटरनेशनलाइज किया जाए वर्ल्ड में, तो इसके लिए जापान इंडिया ट्रेड और जापान इंडिया एंड रशिया ट्रेड इन ऑयल सब में रुपीस में किया जा रहा है। और सेकंड इज द ब्रिक्स करेंसी जो अल्टरनेट आएगा इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जैसे देखा जाएगा उसके हिसाब से। तो मसाला बॉन्ड भी एक तरह से रुपीज़ को प्रमोट करने के, यूपीआई को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये सब से डी डॉलरेशन की तरफ ही जा रहा है। तो ओवर द ईयर्स में देखा गया है 30 ईयर्स में पहले 85% था डॉलर इकोनॉमी, वो धीरे धीरे घट के 65 आ गया, तो आने वाले समय में हो सकता है कि 45 तक आ जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, जैसे ग्रीन फ्यूल्स की बात करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ऑल्टरनेटिव करेंसी फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करे ग्लोबल लेवल पे। तो वो ही पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स है जो हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं कि इंडियन रुपी की ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपने मेंशन कर दिया। ये था साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, फाइबर ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? प्रवेश दो लाइन है समझाओ, ऑप्टिकल फाइबर सुनते हो ना, तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्टिकल फाइबर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए टेक्नोलॉजी, मतलब जो वायर होती है बेसिकली से डाटा ट्रांसमिट होता है, और प्लास्टिक और ग्लास से बना होता है, तो इतना बोलूंगा मैं। आई ठीक है, थिंक तो इसमें हाँ लाइट हाँ एनर्जी का हम यूज करते हैं एक फॉर वर्ड मानसी, ट्रांसमिशन। वर्ड एक ही वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है पूरा ऑप्टिकल फाइबर को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। ट्रू ट्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो उसी का है। आप एक बार सर्च कर लेना आंचल, यू कैन टेक अप दिस वन इन साइंस एंड टेक वन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में होता है, इसी कारण लाइट को आप यूज कर सकते हो फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन इन अ वेरी लॉन्ग रन, और उसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर लॉस बहुत कम होता है। जब आप देखते और थे स्पीड कि स्पीड पहले जब फास्ट फाइबर होगी, बोले आई एम सेइंग कि स्पीड भी फास्टर होती है ऑफ ट्रांसमिशन। वही बता रहा था कि जब पहले आता था ब्रॉडबैंड आज से 10 साल 15 साल पहले, तब 50 kbps स्पीड रहता था घर पे, 50-100 kbps, तो वह कॉपर वायर यूज होता था, तो कॉपर वायर में स्पीड कम रहता है कि ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो डेटा फाइबर सबके घर में है किसी सबके, तो अधिकतर में 50 Mbps 100 Mbps रहते ही, 20 Mbps रहते ज़्यादा रहते, इसी कारण फाइबर ऑप्टिक्स से सब।
तो ट्रांसमीटर होता है जो वहाँ ट्रांसमिट करता है, और फिर सिग्नल लाइट सिग्नल होता है, पल्सेस ऑफ जीरोज एंड वन लाइट सिग्नल, और डेस्टिनेशन जो हम लोग के घर पे है, और एक राउटर होता है। तो राउटर से आपके वाईफाई यूज होता है, या तो डायरेक्टली आप को पोर्ट केबल्स यूज करते हो घर में, आप देखा तो ऑनलाइन देख सकते हो। तो 13 बिट्स पर सेकेंड भी किया जा सकता है। तो 1840 में जीन डैनियल कैलेडोन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में थे, ही हैड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द लाइट प्रोपगेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो स्ट्रीम ऑफ अ वाटर जेट। उसके बाद फिर उसको बाकी जगह यूज किया गया, तो वहीं से ऑप्टिकल फाइबर डेवलप हुआ। अच्छा है, द फ्यूचर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? तो इसमें लिखा नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, 8,000 करोड़ उसमें दिया गया है, जिसमें बात किया है कि कैसे फाइबर ऑप्टिक्स को बढ़ाया जाए। और हाल फिलहाल में सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर ऑप्टिक्स का स्कीम कौन सा है? करुणा, भारत नेट प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, करुणा और हाँ बेसिकली करो ना, ये बता सकती है भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हाँ सिंपल, वो सब मेंस में लिखने आता है तो उसको कोट कर सकते हैं। और इसमें हम बात कर सकते हैं कि अब जैसे ये कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि आपको फिजिकल केबल्स एक्चुअली ले डाउन करनी पड़ेंगी, लाइक अंडर सी बेड भी है काफी, और प्लस आई थिंक वायरिंग थ्रू द एयरवे एयर से भी है। तो यहाँ पे इस बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, और एक ये फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। यस, और अभी हमने 75,000 करोड़ रीडेवलपमेंट, वो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिक्स का यूसेज किया जा रहा है। तो भारत नेट में क्या किया जा रहा है? भारत नेट नाम में ही आंसर, जोड़ा जा रहा है नेट उनके साथ, पंचायत तो कनेक्ट टू किया जा लाख रहा है। फिफ्टी थाउजेंड ग्राम पंचायत में फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन रहेगा मिलेगा। 1,50,000 पहुंच चुका है, 2,50,000 टारगेट है। और उसमें कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर मतलब हर टाइप का सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस फॉर एग्जांपल स्कीम्स, रेलवे टिकट कनेक्शन, ONDC, और फिर आप ग्रीवांसेस कुछ भी करना है तो उसके लिए एक कंप्यूटर रहेगा, लोग बैठे रहेंगे एक, और आप जाकर के वहाँ पर आधार का DBT करा सकते हो, सब चीज़ का। तो कॉमन सर्विस सेंटर रहेगा, उसे कनेक्ट किया जाएगा ताकि लोगों तक ई गवर्नेंस पहुँचाया जा सके। ये सिंपल सा है भारत नेट, और ये BSNL का, इसलिए BSNL बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने भी डिस्कस किया था पहले अपार्ट फ्रॉम। तो प्रवेश, इन जस्ट 2 लाइन्स डिस्क्राइब व्हाट इज खालिस्तान इशू। खालिस्तान इशू इज बेस्ड, खालिस्तान इशू इज स्पेसिफिक बेसिकली स्पेसिफिक द बोला, हाँ डिमांड ऑफ, हाँ द डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ सर्टेन पीपल और सर्टेन सेक्शन ऑफ आउटफिट्स फ्रॉम पंजाब फॉर द सेपरेट स्टेटहुड इन द पंजाब। मतलब वो सिसेशनिस्ट मूवमेंट हम बोल सकते हैं खालिस्तान को, जिसमें कि पंजाब है उसको एक सेपरेट कंट्री वो बनाना चाहते हैं, और जो खालिस्तान है वर्ड वो बेसिकली वो यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है। और इट इज अ माइनॉरिटी ग्रुप इन पंजाब दैट डिमांड्स फॉर द सेपरेट कंट्री फॉर फॉर द सिख पॉपुलेशन। तो ये हो गया स्पेसिफिक खालिस्तान इशू, सेपरेट कंट्री या फिर सेपरेट स्टेट कंट्री अलग, कंट्री खालिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान खालिस्तान ऐसे देखना है इसको, अलग से कंट्री मांगते हैं। स्टेट तो मिल चुका है ना, पंजाब तो ही, हाँ पंजाब तो सेपरेट ही हुआ था हरियाणा अलग से, यही कारण है, उसका भी एक रीजन था। हम लोग बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल इन 1956 एक्ट के अंदर में, जिसमें लैंग्वेज के इशू पे हुआ था, लेकिन ये भी एक इशू था कि हरियाणा में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थे वो हिंदूज थे और पंजाब में सिख थे, तो वो इलाका पलट पूरा पंजाब का ही पार्ट था, तो ऐसा बताया कि उनको अलग से अधिकार मिले तो उनके अलग से पंजाब बनाएगा। तो ये भी है इसी जो मान कारण, लो यहाँ पे सेपरेट इसी कारण कंट्री, भी मतलब कोई चंडीगढ़ जो फिजिकली है रीजन आज है। भी यूनियन टेरिटरी है, और आज भी चंडीगढ़ को हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर में ना चंडीगढ़, नहीं, नहीं सेपरेट है, नहीं किसी मतलब स्टेट अंदर में है ना, का नहीं। हरियाणा का बॉर्डर के तो अंदर में है ना, हाँ नहीं हरियाणा और हाँ वही, पंजाब के हाँ बॉर्डर पे, बॉर्डर पे अंदर नहीं है, मतलब बॉर्डर पे है। वो ठीक है, पंजाब का तो बॉर्डर अलग है, वो अलग है हरियाणा का भी। हाँ, तो हर चंडीगढ़ कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी है हरियाणा का, तो इसी यही कारण है इसको अलग रखा गया, ताकि जो गवर्नेंस सिस्टम रहे और स्टेट्स अपैरेटस सिक्योरिटी अपैरेटस है ना वो, और तो काम कर सके अच्छे तरीके से। तो कौशिक बस मेरा वही आपसे क्वेश्चन है कि जो खालिस्तान की डिमांड है वो बेसिकली क्यों है?
मतलब क्या वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरह ही एट्रोसिटीज उनके साथ हुई उसके लिए मांगते हैं, नहीं, क्यों उससे पहले मांगते से हैं? 1984 तो एक बस सामने में दिखावा है, क्योंकि उसके बाद से लेजिटिमाइजेशन ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके पहले ही से, मतलब 70s के पहले ही से, कि जब मतलब मेन रीजन क्या है कि क्यों मांगा जाता है खालिस्तान में, तो ये पूछ रहा हूँ। मैं अगर स्टार्ट करूँ ना, तो जब 1925 में सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म कमेटी स्टार्ट हुआ था, तो उनको एक चाबी मिल गया था। पहले जो लोग रहते थे ना, उन लोग बेसिकली खत्री थे, खत्री के संत रहते थे जो मैनेज कर रहे थे कीस और लॉक्स टू द गोल्डन टेम्पल बाकी सब। फिर जैसी पेजेंट क्लास कम्युनिटी को मिला, उसके बाद से फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में सैड आया, सैड मतलब अकाली दल और बाकी सब। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी भी इसको यूज़ किया फॉर सैड और बाकी सबको, कि कैसे आप उसको कंट्रोल करें। उसी में से भिंटर वाले भी आए थे, तो भिंटर वाले को सपोर्ट किया गया इंटरनली बाय द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज। तो भिंटर वाले ताकतवर हो गए, तो उनको कर्व करने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन कर्व नहीं हो पाया। 1980s के समय तक वो बहुत ताकतवर रहे, उनको फिर पाकिस्तान टूट चुका था, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी ब्लीड करना है, इंडिया ने 1000 1000 कट्स ऐसा कुछ था, चलो तो फिर उन्होंने सपोर्ट मतलब करना स्टार्ट कर आपने आपने दिया। काफी अच्छा बताया, लेकिन जो मेन चीज है ना वो बेसिकली यही है कि जैसे पाकिस्तान ने होली स्टेट मांगा फॉर द मुस्लिम्स पाकिस्तान, जो खालिस्तानी है वो होली कंट्री मांगते हैं सरदारों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए। तो ये एक मेन रीजन है कि वो चाहते हैं कि हाँ जैसे पाकिस्तान है ना, ऐसे हमें सरदारों के लिए एक अलग देश चाहिए। और दूसरा ये बात है कि 80s में जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ, तब वो तो खत्म हो गया था। फिर जब जैसे ही इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ ना, उसके बाद से रायट हुआ, तो 2000 3000 जो लोग थे वो मरे थे दिल्ली में भी, फेमस केस है बाकी सब में। तो उसके बाद से फिर और डिमांड बढ़ गया, क्योंकि क्या हुआ कि एक उनको लेजिटिमेट कॉज मिल गया कि मुझे नरसिंहार किया गया बाय द सो कॉल्ड हिंदू मेजोरिटी, तो हमें और चाहिए। तो फिर बबर खालसा और खालिस्तान लिबरेशन टाइगर फोर्स, ये सब जो गठित हुआ, और उसके लोग जो थे असैसिनेशन स्टार्ट कर दिए। तो बियान सिंह थे चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के, उनको गाड़ी से उड़ा दिया गया। जनरल जो थे हमारे जो ब्लू स्टार में, नाम याद नहीं मुझे, तो जनरल चीफ ऑफ स्टार जनरल, 4-स्टार जनरल को गाड़ी से उड़ा दिया, बॉम्ब से उड़ा दिया गया, और प्राइम मिनिस्टर डेथ तो हो ही गया। तो ज्ञानी जैल सिंह का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो ओवरऑल बहुत कुलदीप ज्यादा सिंह इंसर्जेंसी राठौड़, हुआ 1980s में। तो 1980s में फिर वो है, नाम तो पता है, केपीएस किल, वो कर्व किए, खत्म हुआ मामला ये सब, लेकिन धीरे धीरे आज भी चलते आ रहा है बीच में। तो कनिष्का बॉम्बिंग भी हुआ था उसी समय, कनाडा का एयरफोर्स एयरप्लेन था जो इंडिया से जा रहा था, गुजराती पीपल उसके अंदर में भी थे, कुछ कुछ कनेडियन लोग थे, तो उनको उड़ा दिया गया था। तो ये एक ओवरऑल तो यहाँ इशू। पे मैं एंड बस एक फ्रेज बोलूंगी कि इंडिया इज एन इंडेस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, सो इसलिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। मोदी इज अ युग पुरुष ऑफ दिस सेंचुरी, धनकर। तो आई थिंक ये जो कहना है ना, आई डिसअग्री विथ हिम, बिकॉज एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आप आपका जो प्रोटोकॉल है, आप ऊपर रहते हो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो ऐसे यूलॉजी आप नहीं कर सकते एज अ सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मेरा नहीं, रिकॉर्ड। बाकी प्रवेश कुछ दो लाइन में मुझे कहना है। ऐसा लगता है कि अगर हम पॉलिटिकली देखें तो स्टेटमेंट हो सकता है थोड़ी गलत हो, लेकिन युग पुरुष का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल होता है। युग पुरुष मतलब महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, ऐसे बोल तो रहे हैं महापुरुष, महात्मा गांधी थे लास्ट सेंचुरी के, इस साल हाँ के, इस सेंचुरी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी। ये बोलना थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ वही बता रहे कि वाइस प्रेसिडेंट है ना वो पार्टी नेता तो हाँ, नहीं है ना। पॉलिटिकल आपके पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा ना वो हाँ वाइस चीज़। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नीड्स परमानेंट सोल्यूशन टू गोरखा लैंड। गोरखा लैंड क्या है करुणा? मानसी बता दो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है, देयर ऑल्सो लाइक नहीं, कि इट हम इज एक नॉट सेपरेट स्पेसिफिक स्टेट। इंसर्जेंसी मूवमेंट, ये बात हो रही है कि मैं जो, नहीं, हाँ बोलो प्रवेश, बोल दो आप, कुछ बोल दो। कि जो वेस्ट बंगाल के ऊपर का रीजन है ना, वो बात करते हैं कि मुझे अलग स्टेट नॉर्थ मिलना चाहिए। गोरखालैंड मतलब अलग स्टेट का मांग हो रहा है, अलग कंट्री का बात नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा स्टेट इंसर्जेंसी से थोड़ा डिफरेंट है, अलग स्टेट का मांग।
सेपरेट स्टेट है इसमें ये जो देखो। दार्जिलिंग रीजन होता है ना, तो हाँ उसी दार्जिलिंग का रीजन के आसपास का एरिया गोरखा जो कम्युनिटी है लोग रहते हैं। वो हाँ रहती है वहां पर, तो वो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो जितनी भी पॉलिसीज होती है वो हम तक ढंग से नहीं आती है, तो हम एक सेपरेट स्टेट बना दो आप, और हाँ हमारी एथनिसिटी भी उन लोगों से डिफरेंट विद है, इन द कल्चरल यूनियन ऑफ बैकग्राउंड, इंडिया स्टेट, हाँ नॉर्मल रहेंगे स्टेट हम का बात कर आपके रहे। अंदर ही, हाँ बस नॉर्मल आप स्टेट बना दो। इंसर्जेंसी मान से डिफरेंट हो जाता है, वो हो जाता है कि आपको अलग ही कंट्री चाहिए इंसर्जेंसी में और उसमें सेपरेटिज्म में पूरा। इसमें लेकिन बात हो रही है कि अपने अंदर में हाँ स्टेट का जैसे अलग स्टेट नागालैंड का बनाना। केस है कि हाँ ग्रेटर नागालैंड वो डिमांड करते हैं, तो वो एग्जांपल ऑफ इंसर्जेंसी हो जाएगा। तो ये बात किए थे कि बिहार कोटास, तो ये बात चलेगा। तो आगे मुझे बात करेंगे डिमांड फॉर कास्ट सर्वे, तो हर जगह कास्ट सर्वे हो रहा है, बिहार में हुआ तो आंध्र प्रदेश में और बंगाल में भी होगा। लाइटनिंग स्ट्राइक स्किल 27 इन गुजरात एट्स रेन बैटर स्टेट, तो डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप को भी डैमेज पहुंचाया गया लाइटनिंग स्ट्राइक से। तो पीएम फसल योजना के तहत में इनको मिलेगा प्रवेश, क्या चीज पीएम फसल योजना के तहत में इनको इंश्योरेंस मिलेगा लाइटनिंग स्ट्राइक में। हाँ ऑब्वियसली मिलेगा, हाँ ट्रू, तो स्टेट का अपना अधिकार है कि कोई भी कैलेमिटीज को भी इंक्लूड किया जा सकता है पीएम फसल बीमा योजना में। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है फसल बीमा योजना का, स्टेट अपना हिसाब से वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं विद रिगार्डिंग टू द कंपेंसेशन गिवन टू द अफेक्टेड विक्टिम। और लाइटनिंग स्ट्राइक में ऐसा क्या कर होती सकते कैसे हैं? हाँ क्यों लाइटनिंग स्ट्राइक पहले होती कैसे, उसके पीछे करूँ ना, कॉन्सेप्ट क्या है सर? करूँ ना, आई थिंक शी इज नॉट हियर। तो लाइटनिंग स्ट्राइक इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंशली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू क्लाउड्स, दोनों क्लाउड्स डिफरेंटली चार्ज होते हैं, जब आपस में आते हैं तो देर इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू क्लाउड्स, और जो ग्राउंड होते हैं वो माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो क्लाउड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जो डिफरेंस है उसको मीट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसी कारण ही जो जब फ्लो होता है करंट तो आसपास का जो एयर होता है ना वो चार्ज अप हो जाता है, इसलिए लाइट प्रोड्यूस होता है और साथ ही लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। ये एक हाँ ये मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक फिनोमिनल होता है, इसमें बेसिकली जो क्लाउड जो होता है जब उसका सेचुरेशन आ जाता है, तो सेचुरेशन में उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड के सेचुरेशन होता है तो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही वो नीचे आता है अगर उसके नीचे वाले जो क्लाउड्स हैं उनका जो होता है वो सेचुरेशन लेवल नहीं होता है तो उनका नेगेटिव चार्ज होता है, या कोई बिल्डिंग होती है तो उसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों जब आपस में यस इंटरेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो लाइट जनरेट होती है स्पार्क, और वो आकर के गिरती है। एंड नेक्स्ट व्हाट आर द मिशन, आज से मिशन क्या क्या मिशन है इसरो का आंचल, जस्ट स्पेसिफाई नाम बता दो सिर्फ, आने वाले वक्त में क्या क्या मिशन है इसरो का। चंद्रयान मिशन और आदित्य एल1 मिशन, गगनयान है, प्रवेश आप ही पता। गगनयान हाँ और गगनयान, आदित्य L1, L2, L3, L4, L5, फिर उसके बाद गगनयान बोलते चंद्रयान थ्री हो गया, और फिर सुक्रियान मिशन, रीयूजेबल लॉन्च रियूजेबल हो व्हीकल। गया, और उसके बाद फिर एक और निशार हो गया। तो ये सब मिशन अभी कम से कम इसरो बात कर रहे कि रोड मैप। हाँ लिंक आईएलओ कन्वेंशन है तो वहाँ पर ऑपरेशन सेफ्टी एंड कन्वेंशन नंबर 25, 62 कंट्री आर सर्टिफाइड, तो आईएलओ का कन्वेंशन होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वही लिखा हुआ है कि एक्सपोज टू लॉन्ग वर्किंग आवर इज अ बिगेस्ट किलर, 55 अगर वीक्स 55 आवर्स से ज़्यादा काम करते हो तो ये बिगेस्ट किलर। तो हम लोग जो बात कर रहे थे 70 आवर्स अ वीक, तो कैसे वो एक तरह से हार्मफुल होता है बॉडी हेल्थ के लिए। उसके बाद तो इतने लोग जो डेथ होते हैं तो सबसे ज़्यादा डेथ क्या कॉज होता है, तो उसमें लिखा हुआ लॉन्ग वर्किंग आवर्स,
उसके बाद ही आता है पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस, इंजरीज, एस्बेस्टस, सिलिका एक्सेट्रा। तो आर्सेनिक और यूवी रेडिएशन और सिलिका से भी खतरनाक है, लॉन्ग वर्किंग है वो। तो एक एग्जाम्पल ले सकते, प्रेरणा इसको लिख लेना एक बार, ए इसको फोटो खींच लेना छोटा सा। अच्छा दिया, और अकाउंट पे तो आ आईएलओ के जाएगा। बारे में अगर बोले तो आईएलओ यूएन की सिर्फ अकेली ट्रिपराइट एजेंसी है, 1919 से है, और यूएन की इंटेग्रल एजेंसी है, मतलब स्पेशलाइज्ड नहीं है, इंटेग्रल एजेंसी है। यस, 1919 में बना था। और इंडिया ने साइन भी नहीं किया है कन्वेंशन नंबर 155 एंड 187। हाँ सही बात है, थैंक यू। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड बोर्ड कन्वेंशन रिलेटेड टू द वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। क्यों होगा ऐसा फिर ओशे, क्यों नहीं किया होगा था इन इंडिया ने, मतलब आपका कोई इंट्यूशन? मेरे इसको अपहेल्ड करना स्टैंडर्ड्स बहुत दिक्कत होगा, लैक ऑफ हाँ मतलब इम्प्लीमेंटेशन। तो जो बाकी कंट्रीज के और इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स हैं वो डिफरेंट हैं, और क्लाइमेट के हिसाब से भी वहाँ का जो टाइम पीरियड होता है वर्क का और यहाँ का, उसमें बहुत डिफरेंस है। वेस्टर्न फर्म्स टर्न टू द इंडिया आफ्टर एपीआई, फॉर एपीआई आफ्टर चाइनाज टेंशन। तो एपीआई होता है अल्टरनेटिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये यूज़ किया जाता है इन द क्लिनिकल ट्रायल्स और फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स, मेकिंग ऑफ द ड्रग्स। तो इंडिया भी बना रहा है दिख रहा है एपीआई, और अभी फिलहाल इंडिया इंपोर्ट करता है एपीआई मैक्सिमम 70 से 80% एपीआई फ्रॉम द चाइना। तो ये कम करना चाहिए, उसे के ग्लोबल ड्रग पार्क बनाया जा रहा है, और उसमें भी तो पीएलआई स्कीम भी आया है। इसमें जैसे हम बात करते, वी हैव द विजन की इंडिया नीड्स टू बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, तो वो चीज रिफ्लेक्ट कर रहे कि एक्चुअली हाउ वी आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट। फेम, यस फेम इंपॉर्टेंट, एफ फेम इस और मिनिस्ट्री ऑफ इसमें हेवी औषिक, इलेक्ट्रिक के अंदर में। इसमें दो चीजें मुझे बोलनी थी, जो आपने बोला ड्रग वाला, बेसिकली इंडिया के अंदर जो ड्रग्स हैं उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए बल्क ड्रग्स पार्क बनाए जाते हैं, ये बल्क ड्रग पार्क, स्पेशली यस इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, और तीन तरीके की चीजें यहाँ बनाई जाती हैं, सिर्फ तीन ही बनती हैं। एक होता है एपीआई, आप हर मेडिसिन का जो रैपर होता है उसके पीछे देखेंगे लिखा हुआ एपीआई लिखा होता है, ये होता है एडिशनल सोल्ट। जैसे कि कल हमने बात की थी पैरासीटामोल, तो वो एक एपीआई है, केएसएन और डीआई, ये तो ये तीन एडिशनल सोल्ट होते हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए बल्क ड्रग पार्क जो है इंडिया में बनाए जा रहे हैं, तीन जगह पर है डेडिकेटेड, पहला गुजरात, दूसरा हिमाचल और तीसरा आंध्र प्रदेश। प्रेरणा, यू कैन नोट डाउन दिस, ये तीन जगह पर है और क्या कर उसका यूज। फिर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फेम पॉलिसी है फॉर द गिविंग इंसेंटिव फॉर द अर्ली अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फेम वन फेम टू दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक के अंदर में आते हैं, हेवी इंजीनियरिंग के अंदर में आते हैं। और ई बस हमने बात किया था, ट्रक्स कैसे इंडिया में 1.4 करोड़ ट्रक्स का जरूरत पड़ेगा 2050 तक, और उनका इलेक्ट्रिक बनना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द वाइडर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ई ट्रकिंग मैकेनिज्म पहली बात इस पर। तो फेम वन और फेम टू में डिफरेंस क्या होगा? फेम वन एंड फेम टू, उसमें सब्सिडी ज़्यादा होगा फेम टू में एज़ कम्पेयर टू नहीं वन। मैं बताता हूँ, फेम वन जो स्कीम है वो डेडिकेटेड है फॉर द प्राइवेट जो हाँ कम्यूटर्स ये होते हैं उनके, पब्लिक और फेम टू पब्लिक के लिए। तो इंसेंटिव दिए जाते हैं 10,000 करोड़ के आसपास है इसका टारगेट, तो पहले में प्राइवेट और दूसरे में पब्लिक। फॉक्सकॉन आंचल किससे रिलेटेड है ये? फॉक्सकॉन फेमस है, इसको आंसर में लिख सकते हैं। आईफोन, आईफोन नहीं है सिर्फ, फॉक्सकॉन ने बेसिकली प्रिसीजन, ऐसे परसों ही बात हो रहा था जो मानसी नहीं बता, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो प्रिसीजन मतलब कि हाईली उसमें कैपिटल इंसेंटिव होता है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है। तो प्रिसीजन इंडस्ट्री में आईफोन के लिए फेमस, आईफोन में चिप मैन्युफैक्चरिंग करता है ये, बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग करता है, सिर्फ चिप आईफोन नहीं है। आईफोन तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है फॉक्सकॉन को, आईफोन बना लो। लेकिन और भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए, तो अगर आईफोन अगर नहीं बनेगा इंडिया में तो कुछ और बनेगा फिर, तो इसलिए इन्वेस्ट किया जा रहा है $1.6 बिलियन कर्नाटका में।
सो वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जिसका डोमिनेशन है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स? ताइवान ताइवान। पूछ रहा था किसी ने। वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब, पढ़ा होगा प्रवेश, तो इसका फीचर्स क्या है जेम्स वेब का? नहीं वैसे मतलब आप बता दो इसका एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है। तो उसके ठीक है मैं जाता हूँ। जेम्स वेब इट इज बिल्ट बाय नासा और इनको सेंड किया गया था गैलेक्सी का जो क्लस्टर है उसको देखने के लिए वर्ल्ड वाइड। और दूसरा बात है कि वो सिर्फ अकेले नासा का नहीं, वो यूरोपियन, हाँ यूरोपियन के साथ भी है और कैरेटन के साथ भी है, तो इसको भेजा गया था। और ये भी लैग्रैंज पॉइंट में रहते हैं। जैसे लैग्रैंज पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट इज वेयर द अर्थ ग्रेविटीज एंड सन ग्रेविटी कैन से रीच अदर आउट, और स्टेबल इलाका होता है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन द डीप स्पेस। तो मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर होता है, फ्यूल कम खपत होता है, इसलिए उसको वहीं पर रखते हैं लैग्रैंज पॉइंट पर। ऑब्जेक्टिव है कि उसको बहुत आप वाइडर स्पेस देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और फोटो क्लिक कर सकते हो, और एटमोसफेयर को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लानट है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो उसके लिए। तो बेसिकली ये इंफ्रारेड वेव्स को यूज करके हमें हेल्प करते हैं। यस तो गैस डिटेक्शन हो गया या फिर रेडियो वेव डिटेक्शन सब चीज़ करने के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। द मैकेनिज्म दैट रिमूव्स अनफिट सेल बिफोर योर बॉन, दिस डिफरेंट थिंग। नेम ऑफ H2O इन IUPAC नेम, ऑक्सीडेंट, स्लो वेदर मिनरल यूज टू स्टडी वाटर हिस्ट्री, जिरकॉन, वाटर फेस ट्रांजिशन डायरेक्ट ड्राइंग फ्रीजिंग सब्लिमेशन। ठीक है वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट न्यूज पेपर। वी हैव डिस्कस RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या होता है, एंड इट इज़ अ स्कीम फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेंट विद इन द 30 डेज। तो एक तरह से सिटीजन चार्टर का भी पार्ट है कि कैसे लोगों को अवेयर करें और एक पब्लिक ग्रीवांसेस कैसे सॉल्व करें इसके लिए। तो मानसी इसको हेड कौन करता है ओम्बड्समैन को, जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम होता है RBI का, इसके हेड कौन होते हैं? मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन हेड करेगा। RBI के जो गवर्नर RBI के डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं तो वो बेसिकली इसको हेड करते हैं। इसके रीजनल बेंचेस होते हैं, आई थिंक 4 हैं भी इंडिया के अंदर। तो प्रेरणा आप इसको कंफर्म कर लेना, और जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं RBI के, वो उनको हेड करते हैं। कौशिक, वी कैन टेक दिस एनवॉय कैनेडा दैट व्हाट ही सेइंग दैट ऑल द क्लेम्स हैव बीन साइटेड बाय यूएस आर लीगली प्रेजेंटेबल बट देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम कैनेडियन साइड। हाँ मतलब वही बात है, इसने दिया US इनपुट लीगली प्रेजेंटेबल से ट्रूडो एलिगेशन किया गया था कि किलिंग ऑफ निज्जार, कैनेडियन ने सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के पास कंफर्मेशन है कि इंडियन ने अपना कॉन्टैक्ट्स को और स्पेशल फोर्स स्पेशल जो लोग है रॉ के, तो उन्होंने करवाया था। तो ऐसा कुछ
लेकिन मेन बात ओवरऑल मेरे को इशू में ये लगता है कि कोई प्रूफ ने अभी तक नहीं दिया गया, बस ये जानना है। ऑर्फन कोटा भी एक डीयू में, तो ऑर्फन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्फन को डील करने के लिए ऐसा कोई स्कीम है गवर्नमेंट का, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है प्रवेश आंचल? नहीं कौशिक, दो चीजें मुझे इसमें बोलनी कारा है है ना, एक्चुअली। कारा, हाँ सही बात, कारा हाँ अलग होता है, प्रूफ। कारा कारा तो भी तो अलग होता है, एडॉप्शन के कारा लिए है ना, कि आप अडॉप्ट अडॉप्शन करें, के लिए होता है। हाँ ऑर्फन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं ना। हाँ वो अलग चीज है। तो जो ऑर्फन होता है उसको मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर, जो 2015 के अंदर एक्ट है। तो ऐसे चिल्ड्रन जिनको केयर चाहिए होती है, जिनके माँ बाप नहीं होते और कोई उनका ग्रैंडर नहीं होता है, तो बेसिकली उनको क्या दिया जाता है, उनको मंथली पेमेंट मिलता है 2,000 रुपये का। और जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी ऑर्फनेज होम्स होते हैं वहाँ पे उनका रजिस्टर, उनका रिहैबिलिटेशन इंश्योर करें। दूसरा, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बेसिकली वो भी जो रूटली इंस्पेक्शन करते हैं कि जो बच्चों की कंडीशन है वो कैसी है, इसमें मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, सर्वोदय स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो चाइल्ड लाइन ऑर्फनेज हेल्पलाइन नंबर्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो ये चार चीज़ें हैं जो बेसिकली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, स्पेशली कोई स्कीम नहीं है। और ड्यूरिंग द कोविड इनको एक ऐसा हाँ फंड दिया गया दिया गया जिसके था, अंदर हाँ 18 साल के बाद ये अपना पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपीज़ का पाँच से दिया दस गया। लाख रुपए निकाल सकते हैं हाँ और उससे अपना हायर एजुकेशन ले सकते हैं। यस, प्रवेश कोई स्कीम है इंडिया में? पालनर स्कीम, पालनर स्कीम क्या है पालनहार आंचल? स्कीम आई थिंक, पीएम केसवन राय टिकन करुणा, 10 लाख रुपीज़ दिया कोई गया है डिपॉजिट। स्पेसिफिक इंडिया में एक्ट है प्रवेश फॉर ऑर्फनेज? अच्छी एक्ट तो है शायद हमारे यहाँ पे, आई थिंक 1960s के अराउंड है कोई एक्ट। ऑर्फनेजेस एंड अदर चैरिटेबल होम्स सुपरविजन कंट्रोल एक्ट 1960 है। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट द कारा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऑर्फनेज एक्ट 1960s, पीएम केयर्स, पालनर स्कीम एक्सेट्रा। अच्छा था तो ये पे नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग पालनहार अबाउट स्कीम द राजस्थान का है, राजस्थान, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है पालनर स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट टाइम आर्चल यू कैन जस्ट स्पेसिफाई जो स्कीम आप देते हैं उसमें स्पेसिफाई कर दें इसके अंदर। तो इसमें नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द पेंटिंग, पेंटिंग के जरिए आप कैसे अवेयरनेस कर सकते हो क्लाइमेट चेंज में, कि कैसे आपको मैक्सिमम मिटिगेशन करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो एक तरह का पेंटिंग था ये, डीप विद इन इज ऑन डिस्प्ले एट कलमकार आर्ट गैलरी बीकानेर हाउस दिल्ली। तो कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है करुणा? कोई बताओ। आंध्र प्रदेश या उड़ीसा साइड आई थिंक। हाँ आंध्र एंड आंध्र तेलंगाना, प्रदेश, आंध्र उत्तर की है। प्रदेश, नहीं, उत्तर प्रदेश तो नहीं है, आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश में। ओके ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड स्टूडेंट हेल्ड फॉर ऑब्जेक्शनेबल कमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो इसमें सिंपल है कि उसके ऊपर कोई FIR वगैरह तो नहीं दर्ज करनी चाहिए। जो उसके पेरेंट्स हैं उनको, जो हाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोल देना चाहिए कि सेम आप इस पर थोड़ा सेम ईयर, ध्यान हाँ रखें। हाँ, तो ऐसे तो नहीं करना, बच्चे का करियर यस खराब यस होगा जी। यस, मतलब ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि FIR आप कर सकते हो बिना मतलब। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, तो आंचल यू कैन लुक अप वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट और 5 स्पेसिफिक वर्ड्स आप ग्रुप पे डाल दो। इंडिया ने कोई ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव लिया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंस रिलीजेंस रेजिलियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाँ कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
और आई थिंक याको हामा गाइडलाइंस भी हैं फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, जापान में आई थी आई थिंक 2010 के बाद, जिसका इंडिया भी एक्टिव पार्टनर है। और सेंडाई फ्रेमवर्क इज ऑल्सो देयर। सेंडे फ्रेम, यस सेंडे फ्रेम एक बार एक्सप्लेन कर दो मानसी, मुझे तो दिक्कत होता है बेसिकली वो। सेंडाई फ्रेमवर्क अडॉप्शन मेजर्स पे फोकस ज्यादा करता है, एंड 2015 से 2030 का इसका टाइमलाइन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये मतलब फाइनेंस प्रोवाइड में प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, सो आई थिंक पेरिस अग्रीमेंट का एक ये पार्ट था। मैं बता देता हूँ मानसी, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का। तो बेसिकली 2015 से 30 तक जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है, 2015 से 30 तक सेंडाई फ्रेमवर्क का टारगेट है। तो इसमें जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो दोनों एक दूसरे को असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो, फाइनेंसिंग की जाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट किए जाए, और जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है स्पेशली ऐसे जोन में वो किया जाए। मोर्टेलिटी का नंबर आप काउंट करोगे, उसके बाद जो है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो यूएस और यूरोप की जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स हैं वो इन कंट्रीज को दी जाएंगी, और अगर जीडीपी में लॉस होता है तो उसका भी पैसा जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है इनको देंगी, जो अंडर डेवलप्ड स्पेशली द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये इसका ताना बाना है। और सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले कौन सा फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता था? बता दो मानसिया, ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन था, ये 2005 से 2015 के बीच में। ओके ओके थैंक यू। सेंडे फ्रेमवर्क आल्सो फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड बैक बेटर। ओके करो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन विल नॉट रिक्वायर अ वीजा टू विजिट मलेशिया, और इसमें बताया गया कि इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट फॉर आउटबाउंड ट्रैवलर्स इन एशिया। टॉप 5 डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस कहाँ कहाँ पे है, तो यूएई, यूएई मतलब दुबई, सऊदी अरेबिया, अरेबिया क्योंकि हज और बाकी रियाडा हो गया, यूएसए हो गया, सिंगापुर मान लिए, और थाईलैंड इम्पोर्टेंट है। थाईलैंड क्यों जाते हैं रवेश? थाईलैंड में एक तो आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती है, दूसरा जो कल्चर है कल्चरल टूरिस्ट ज्यादा होता है, और जो तीसरा आई थिंक मुझे लगता है कि वो थाईलैंड इज आल्सो नोन फॉर बुद्धिस्ट वेन्यू, तो इस वजह से भी लोग ज्यादा जाते हैं। तो मलेशिया में 25-29 लाख ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी रहते हैं, पीआईओ और एनआरआई।